नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रंजीत सिंह चौटाला ने कहा कि जेलों में सुधार के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। अब जेलों में मोबाइल मिलने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। सभी जेल सुप्रीटेंडेंट और डिप्टी सुप्रीटेंडेंटों को जेलों में मोबाइल मिलने की घटनाओं पर 20 जनवरी से पहले रोक लगाने को कहा गया है और जेलों में मोबाइल मिलने की घटना होने पर जिससे मोबाइल बरामद हुआ है उसकी कार्रवाई बाद में की जाएगी। पहले जेल सुप्रीटेंडेंट या डिप्टी सुप्रीटेंडेंट को दोषी मानते हुए उन पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी के साथ ही जेलों में टेलीफोन इस्तेमाल की कॉल डिटेल जानकारी मांगी गई और जिन जिलों में 20 से 25% तक टेलीफोन का इस्तेमाल होता है वहां मोबाइल इस्तेमाल की आशंका बढ़ जाती है। जेलों से मिलने वाला डाटा को कंपाइल कर रणनीति बनाई जाएगी और जेल एवं बिजली मंत्री रंजीत सिंह ने आज बनाला रोड स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे, जहाँ किसानों की ट्यूबवेल बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस योजना के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। बहुत से किसानों ने अपने बिल नहीं भरने की वजह से कटे कनेक्शनों के बिल भरे हैं और अपने कनेक्शन दोबारा शुरू करवाए हैं। उन्होंने कहा कि इसी को देखते हुए बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना को 15 फरवरी तक बढ़ाया गया है ताकि प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस योजना का लाभ उठाकर अपने कटे हुए कनेक्शनों को दोबारा शुरू करवा सकें। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। देखिए, अब मैं जेल का भी देख रहा हूँ कि जेल में हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं है, जैसे और स्टेटों में, मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लूँगा, कि लोग सुरंग निकाल खोद के भी बाहर भाग जाते हैं। ऐसा हुआ है हिंदुस्तान में, ऐसा भी हुआ है कि लोग है ना बाहर निकलते बाहर काउंटर फायरिंग करके हो गए, दीवार फांद के भी गए। हमारे हरियाणा में आज तक ऐसी घटना नहीं हुई। हाँ, मोबाइल लेके दुके कभी कोई गुड़गावा पकड़ा गया, करनाल पकड़ा गया, मेरे नोटिस में है कुछ जेलों में ऐसा थोड़ा बहुत हो रहा है और कभी कभी पकड़े भी गए। अब मैंने एक सिस्टम करा है कि मैंने मेरे DGP को बुलाए और दूसरे ऑफिसर को बुलाए, उसमें सब जितनी जेल हैं उनसे कॉल का रिकॉर्ड मंगवा रहा हूँ कि जिस जेल में अगर 50% फ़ोन होते हैं, जो हर जेल का रिकॉर्ड आ रहा है, 50% होते हैं तो समझो वहाँ चोरी कम है। जहाँ 20 और 25%, 29%, 30% से नीचे हैं वहाँ समझो कि मोबाइल यूज़ हो रहे हैं, तो मैं भी उन्हें पकड़ रहा हूँ। अब मैं जेल के जितने स्टूडेंट जेल हैं उन्हें सबको मैसेज दे के ये कह रहा हूँ, DGP के भी जुमे लगाए हैं, कि मैं उन्हें 20 तारीख दे रहा हूँ, आज 11 तारीख है, 9 दिन और है, कि 20 दिन में जितने मोबाइल हैं उन्हें वो पकड़े ढूँढे। 20 तक का समय में किसी को कुछ नहीं कह रहा, 20 के बाद जहाँ भी मोबाइल पकड़ा गया जिस जेल में, मोबाइल वाले को बाद में छेड़ेंगे, पहले उस सुपरिटेंडेंट जेल को डिप्टी सुपरिटेंडेंट पर उस पर तुरंत उसी दिन एक्शन होगा। तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद जेल से मोबाइल जो है वो हट जाएगा, नहीं रहेगा। ये मैंने मैसेज सभी सुपरिटेंडेंट को दे दिया है, ये मेरा जेल डिपार्टमेंट में ये मेरा अगला एक्शन होगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमने पानीपत में करा है इसे एक सिम्बोलिक मानिए। अब इसके बाद मैसेज ये हो गया, जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर है, वहाँ जितने कोई अधिकारी ऐसे काम में लगे थे वो बंद हो जाएंगे। मेरा अपना मानना है कि जो सेंसिबल आदमी है उसने किसी ने अब ये काम नहीं करेगा, अगर करेगा तो एक साइमल्टेनियसली रेड मैं अभी फिर करूँगा, 3 जगह इकट्ठे करूँगा, तो उस जगह हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे करूँगा। उसके बाद जितने ऑफिसर हैं सब अपने तरीके से ठीक हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि लाइन लॉस को मैं इसे 5 पे ला के छोड़ूंगा। इसमें 7 लाख रुपए जुर्माना लगाए जी, जो बड़े सबसे बड़े ऑफिसर थे उनके 1-1 लाख रुपया, उससे नीचे जो थे 6 उनके 50-60 हज़ार रुपये। हमारे CM साहब ने करा है, मैंने सारा कुछ करके CM साहब पे भेज दिया था कि अब एक्शन आप करें, ये पकड़ा गया, सारा रिकॉर्डेड सब चीज़ें, वीडियोग्राफी भी भेज दी थी मैंने। और जो ऑफिसर जिनके यहाँ इलीगल जो पावर को यूज कर रहे थे, मैं उसके लिए यही शब्द कहूँगा, उन सब के साइन करवा के मैंने उनको दे दिया था। जेलों में आपने जैम्बर लगाने के लिए जैम्बर की योजना, देखिए बहुत चीज़ें हैं जो करूँगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मामले में खासा चर्चा कर लिया डिटेल से। देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहले जेल का कॉन्सेप्ट UK से शुरू हुआ, सबसे पहले दुनिया में जेल ही UK ने इंग्लैंड से शुरू हुई। आज के दिन ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड में सबसे बढ़िया जेल है ऑस्ट्रेलिया की, अगर हम उस पर कोई रेटिंग करें तो ऑस्ट्रेलिया से बढ़िया जेलें कहीं भी नहीं है। हमारी जेलों में मैं बहुत सुधार करना चाहूँगा। मैंने मेरे DGP को
चेन्नई भी भेजा, तमिलनाडु और केरला दोनों स्टेटों में विजिट किए, वहाँ ठीक है जेलें वो देख के आए। हम हरियाणा की देश में एक नंबर जेलें बनाना चाहेंगे। मेरी कोशिश होगी मैं 3 महीने में बहुत डिसिप्लिन बड़ा सख्ती से ले आऊँगा। हमारा किसी को तंग करने का मतलब नहीं है, हमारा एक है कि जो कैदी को आराम देना है, उनको ठीक तरीके से रखना है, उनका खाना ठीक मिले, उनकी मुलाकात उनकी समय से मिले। जिस कैदी का नक्शा तैयार हो गया हो उस नक्शे को एक दिन भी नहीं रोके। कई बार होता है 10 दिन पड़े रहते हैं उनसे करते हैं, ये भी होता है। मैं इसको गौर कर रहा हूँ कि जब कैदी अंदर जाता है, जो शुरू में जिस दिन सजा होती है, देख लिया कि अच्छे घर गए, तो उसे बाहर कोठरी में उसे जब तक कोई बैरिक नहीं लॉक करते, उसे ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ उसे मच्छर खाएं, जहाँ वो तंग हो, ताकि वो अपने तरीके से फिर सौदा करे कि साहब मुझे बैरिक में भेजो। बैरिक में भेजने के भी पैसे लेते हैं। ये इस तरीके की पुरानी बातें चली आ रही हैं जो मैंने पूरी तरीके से स्टडी कर लिया। मैं कैदी को जो है, चलो उसने बुरा भला जो कर लिया, पर उसके जीवन में जो नियम है कैद में उसी हिसाब से रखा जाए, उसे के साथ पशुओं जैसा व्यवहार नहीं हो, ये मेरा मेन पुख्ता काम करना ही होगा। दूसरा, उसे खाना बढ़िया मिले, उसे कोई किसी से गैरत नहीं मांगनी पड़े। जो हार्ड क्रिमिनल है उन पर सख्ती करो। जेल का काम उन्हें सुधारने का है, ना कि आम आदमी को जनजीवन से। कई बार बहुत साधारण आदमी भी कोई ऐसी घटना कर देता है, वो कानून में लॉ में वो गुनाह है, वो क्रिमिनल है, उसको सजा काटनी पड़ती है, पर उसका ये मतलब थोड़ी है कि उसका टोटल जीवन ही बर्बाद हो जाए। जो आप जंबर लगाने का प्रयास कर रहे हैं उससे कितना फ़ायदा होगा? देखिए, हम एक आध जेल को ही सोच रहे हैं, ताकि उसमें जो इस तरीके की उन्हें एक डर रहता है, एक साइकोलॉजिकल मैसेज देना होता है, उन्हें ये रहता है कि नहीं हमारी सब चीज़ें देखी जा रही है। उसके बाद आदमी अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करता है। उस जैमर का मतलब मेन ये होता है, लोगों को जो कर्जा था, ब्याज था, सारा जो जिन लोगों के कनेक्शन कट गए थे, इसमें ये है कि अपना पिछला तुम थोड़े समय का वो देते रहो, बाकी पिछला हम सारा माफ़ करते हैं, तुम अपना जो कनेक्शन भी जाके जुड़वा लो। किसान को मारें क्यों, उसे बाहर निकालें, उसे एक आदत बनाए कि फ्री कुछ नहीं मिलेगा, देना तो पड़ेगा। तो वो ऐसा ऐसा करके इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स गया। हमने इसे 15 फरवरी तक लोगों को टाइम दे दिया, ये 31 दिसंबर को ख़त्म हो गया था, मैंने इसे 1.5 महीना और बढ़ा दिया कि आप लोग, मैंने CM साहब से बात करके कि 15 फरवरी तक इन लोगों को मौका दे। लोगों का आदत, आप अगर आप 2 महीने दे देंगे तो भरेंगे नहीं, वो जो लास्ट 10 दिन रहेंगे तब भरने लगेंगे। तो हमने 15 फरवरी दी है। 15 फरवरी तक मुझे लगता है कि जैसे मैंने यहाँ बिजली की पहली पंचायत यहाँ करी थी मैंने, हिसार और फतेहाबाद 2 जिले, सबसे ज़्यादा जो 3 गांव बड़े डिफाल्टर थे, लाडवा, समैन और आपका कनडी, वो 3ों गांव की पंचायत आए, वो कहने लगे थे हम भरेंगे। और मैंने भी तुरंत उन्हें साथ के साथ जिस गांव में जो चाहिए थे, 3ों गांव में जो रियायतें उन्हें चाहिए थी, मैंने तुरंत देने का काम किया।